हाय दोस्तों आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में, में जितेंद्र और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ए डब्ल्यू का 101 मॉडल दोस्तों इसमें दो वेरिएंट आते हैं एक माइल्ड सिल है और एक स्टेनलेस स्टील है दोनों ही वेरियंट का कंपेरिजन बताने वाले हैं लाइवली दिखाऊंगा अभी साउंड बताऊंगा एंड दोस्तों जब आप एग्जॉस्ट बाय करने जा रहे होते हैं ना तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वही बताएंगे जैसे क्वालिटी है प्राइसिंग है डिटेलिंग है फीचर्स है ये सारी चीज़ें हम एवेल्यूट करने वाले हैं इस एग्जॉस्ट में एंड दोस्तों मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ था वन मॉडल वो भी आई बटन में आ रहा होगा वो भी जाके आप देख सकते हैं तो चलिए जल्दी जानते हैं इस एग्जॉस्ट को दिखाता हूँ साउंड भी सुनाता हूँ तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन पर जरूर पाएगा ताकि ऐसी जो वीडियो देना आपको टाइम टाइम मिल सके दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग की मैं इसका साउंड सुनाऊँ उससे पहले कुछ प्रोडक्ट डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं फीचर डिटेल क्वालिटी के बारे में डीप से बात करते हैं क्लोज करके दिखाता हूं आपको एंड फिर जल्दी इसका साउंड भी सुनाऊंगा आप लोगों को साउंड बहुत ही मजा आने वाला है बिकॉज में विद डे बी कलर भी आता है और विदाउट डे बी कलर भी ऑप्शन अवेलेबल है तो दोनों ही साउंड सुनाने वाला हूँ एंड मेरे पास में यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है एक एम का एक्सॉस भी इसका ये जो एक्सॉस है वो स्टेनलेस स्टील का है तो दोनों में दिखाऊँ क्या डिफरेंस है बिकॉज एक्चुअल में जो प्राइस का डिफरेंस है ना वो ज़्यादा है दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बात करेंगे तो चलिए देखते हैं क्लोज से तो दोस्तों एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट के साथ में कैसी लग रही है इंटरसेप्टर तो इंटरसेप्टर का आप लोग देखते हैं बैंड पाइप और एग्जॉस्ट बिल्कुल यूनिक नहीं लग रहा है एकदम अलग नहीं लग रहा है ऐसा अनोइंग टाइप नहीं लग रहा है आप अगर एग्जॉस्ट को देखेंगे ना तो एग्जॉस्ट जो है वो मैट फिनिश का है ठीक है ये स्टेनलेस स्टील का है एस एस का एम एस का है मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड आप टोटली लुक देखते हैं मेन ए डब्ल्यू का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसकी फिनिश जो होती है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है एक प्रीमियम फिनिश आपको देता है एग्जॉस्ट फिन प्रीमियम लुक टाइप देता है इसका ए डब्ल्यू का यहाँ पे लोगो है एंड एक और चीज़ जो मुझे पसंद आती है वो इसके वेल्डिंग पार्ट है ये जो आप वेल्डिंग पार्ट देखेंगे वेल्डिंग पार्ट ऐसा लगता है जैसे वन पीस टाइप किया हुआ है एंड ईजी टू फिट है दोस्तों ईजी टू फिट है मैंने ऑलरेडी फिटिंग दिखाई हुई थी इसमें फिटिंग कुछ नहीं एक नीचे बॉटम साइड में एक बोल्ट आता है नट बोल्ट आता है यहाँ पे जो स्टॉक बोल्ट होते हैं उसको फिट करना होता है दैट्स इट ये इजीली आप इसको फिट कर सकते हैं यहाँ पे आपको डीबी बी ग्लर दिख रहा होगा डीबी बी ग्लर भी ओपन करके दिखाएंगे साउंड विद एंड विदाउट दोनों का साउंड भी सुनाने वाला हूँ बट इसमें एक चीज़ डिफरेंस ये है कि इसमें जो है यहाँ पर कवर नहीं दिया हुआ जॉइंट कवर इसमें नहीं मिल रहा है आपको वन मॉडल मिलेगा वन में जॉइंट कवर नहीं मिल रहा है दूसरा एक्सॉल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ ये भी आप देख सकते हैं अगेन मुझे मुझे सच में इसका लुक जो है ना आ, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है खासतौर से इधर का फिनिश देखिए आप ठीक है, है इधर का फिनिश जो दिया हुआ है ठीक है क्योंकि स्टेनलेस स्टील को बैंड करके उसमें उसमें शेप लाना ना बहुत ही टफ चीज़ होता है एंड uh, स्टेनलेस स्टील में एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को वैसे मालूम ही होगा कि स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है तो इस पर आप बेफिक्र हो सकते हैं कि ये लॉन्ग लाइफ के लिए अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो इट्स अ गुड साइलेंसर तो मैंने जॉइंट बता दिया आपको एंड इसका आप जॉइंट देखते हैं कैसे फिट करते हैं वो बता बता दिया मैंने आपको यहाँ पर डीबी बी कलर आता है एंड इसके अंदर आता है सिरामिक ब्लैंकेट सिरामिक ब्लैंकेट की वजह से फ़ायदा क्या होता है एक इंसुलेटर का वर्क करता है आप प्रॉपरली अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो अगर पीलियन पीछे कोई पीछे बैठा हुआ है तो फुट रेस्ट की वजह से ना जब उस पर सूज आता है ना तो हीट फील होता है या तो आपके घर में कोई बच्चा है कि टच कर दिया तो बर्निंग का प्रॉब्लम होता है तो ये प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट मैंने दो किलोमीटर जैसे राइड किया हुआ है बट इसके अंदर हीट उतना नहीं है तो एक प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जिससे कि आपका हीट फील नहीं होता तो ये भी एक अच्छी बात है जल्दी सुनते हैं साउंड फिर आगे बात करते हैं तो दोस्तों अब हम सुनने वाले हैं विद डीबी कलर साउंड आप देख रहे हैं दोनों में डीबी कलर लगे हुए हैं तो इसका जल्दी सुन रहे हैं साउंड तो दोस्तों आपने जो साउंड सुना अभी भी डीबी क्लर सुना अब हम इसको निकल निकालने वाले हैं डीबी क्लर को एंड साउंड सुनाएंगे तो इसको निकालना बहुत इजी है कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ इसके में साथ में ऑलरेडी एल की आता ही है साथ में रिमूव करना बहुत ईजी है दो दो थ्रेड्स जो होते हैं ना इधर इसके खोलने होते हैं एल की के एल की के आप इसको डालिए एक बार ऐसे दोबारा फिट करिए और आई थिंक अब निकल जाएगा निकल गया तो आप देख सकते हैं डीबी बी कलर जो रिमूव हो चुका है तो अब मैं दूसरे का भी डीबी बी रिमूव करता हूँ साउंड सुनाता हूँ आपको तो डी तो बी क्लर जो है वो रिमूव हो चुके हैं देख रहे हैं आप दोनों डीबी कलर आ गए मेरे हाथ में अब मैं सुनाता हूँ इसका साउंड फ्री फ्लो में टोटली फ्री फ्लो में तो दोस्तों आपने विद डीबी बी और विदाउट डीबी बी कलर दोनों का साउंड सुना है एंड दोनों के साउंड की अगर मैं बात करूं तो विद डीबी बी जो साउंड है वो स्टॉक से 20 ट्वर्टी परसेंट ही इंक्रीज़ है ज़्यादा ज़्यादा नहीं है ऐसा लगेगा कि आपने एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ है थोड़ा एक डिसेंट साउंड आपको मिल जाएगा बट विदाउट डीबी बी साउंड थोड़ा लाउड है दोस्तों अगर अगर आपकी सिटी में अगर प्रॉब्लम है एग्जॉस्ट की तो मैं रिकमेंड करूँगा कि विथ डीबी बी ही राइड कीजिए विदाउट डीबी बी राइड मत कीजिए बट अब हम बात करते हैं एक और ऑप्शन जो कि 101 में है वो है एम का माइल्ड स्टील का तो ये रहा वो एग्जॉस्ट एंड दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बहुत है ठीक है ये जो एग्जॉस्ट देख रहे हैं ये 9000 का पेयर है एंड ये जो एग्जॉस्ट देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील का वो 16000 का पेयर है तो दोनों में क्या चेंजेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ एकदम क्लोज करके तो दोस्तों वन ज़ीरो वन के दोनों वेरिएंट को मैंने एक साइड में लगा दिया देखिए एक साइड में आपको माइल्ड स्टील का ऑप्शन दिख रहा है जो क्रोम पार्ट आपको दिख रहा है ये माइल्ड स्टील है और दूसरी साइड में जो लगा रखा है वो स्टेनलेस स्टील है ठीक है तो वन जीरो वन के दोनों ही मॉडल दिख रहे हैं एंड जो स्टेनलेस स्टील है उसका सिक्सटीन पेयर का कॉस्ट है एंड जो माइल्ड स्टील है उसका नाइन थाउजेंड रुपीस है तो क्या डिफरेंस है दोस्तों फर्स्ट तो आपको डिफरेंस क्लियरली uh, मैंने बोल के बता दिया कि माइल्ड स्टील है दोस्तों माइल्ड स्टील जो होता है वो थोड़ा चीपर ग्रेड का मेटल होता है तो इसके वजह से उसका प्राइस जो है थोड़ा रिड्यूस है एंड और भी डिफरेंस के अंदर है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जॉइंट दिया हुआ है तो ये वन पीस टाइप का नहीं है तो यहाँ पर आप स्क्रू दिख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो ये स्क्रू लगा के इसके अंदर ब्लैंकेट लगाया हुआ है सिरामिक ब्लैंकेट इसके अंदर भी आती है शेप भी ऑलमोस्ट सेम है तो साउंड में कोई डिफरेंस भी नहीं आने वाला एंड यहाँ पर आपको जो होल्डिंग क्लैम्प है वहाँ पर आपको बोल्ट दिखाई दे रहा होगा बोल्ट लगे हुए हैं तो आपको इसमें मल्टीपल जॉइंट्स भी आते हैं एंड बाकी जो है बॉटम के साइड से ऑलमोस्ट सेम है इसके अंदर भी डी बी कलर का ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है डी बी कलर इसके अंदर भी आएगा तो ये डिफरेंस की वजह से एंड इसमें क्रोम आ रहा है आपको क्रोम एंड ब्लैक का ऑप्शन भी अवेलेबल है इसके अंदर बट अगर बात की जाए स्टेनलेस स्टील की तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों कोई भी जॉइंट आपको नहीं दिखाई देगा इसके अंदर डीबी बी कलर में आप रिमूव किया हुआ है इसमें भी डीबी बी कलर का ऑप्शन आता है एंड कोई भी जॉइंट इसमें आपको नहीं दिखाई देगा थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको कोई भी जॉइंट आपको नहीं दिखाई देगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे वेल्डिंग किया हुआ है तो मल्टीपल जॉइंट्स भी नहीं है जिसकी वजह से वाइब्रेशन के प्रॉब्लम भी नहीं होंगे तो दोनों में डिफ्रेंस किया हुआ है प्राइस जो है जस्टिफाइबल है ऑब्वियसली जिनको चीपर चाहिए जिनको सस्ता चाहिए जिनको बजट फ्रेंडली चाहिए वो माइल्ड से ले सकते हैं एंड जिनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप का चाहिए कि लॉन्ग टाइम एक ही अगर एग्जॉस्ट यूज़ करना है तो स्टेनलेस स्टील एक बेस्ट ऑप्शन है आई होप दोस्तों आपको साउंड भी पसंद आया होगा इस तक प्रोडक्ट फीचर डिटेल भी पूरा समझ में आ चुका होगा एंड प्राइसिंग का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया ये जो दिख रहे हैं ये एम एस है दूसरी तरफ मैंने एस एस लगा के दोनों का डिफरेंस भी आपको डिटेल में बता दिया एंड आप पे आप डिपेंड करता है कि आप इसका वन जीरो वन मॉडल का माइल्ड स्टील लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील steel लेते हैं मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर ले रहे हैं तो अगर वन टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गो फॉर स्टेनलेस स्टील बट अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करते रहते हैं ना तो गो फॉर द माइल्ड स्टिल ठीक है आपके लिए बेटर रहेगा एंड फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वारी है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है एंड दूसरे मीडियाज भी ओपन है दूसरे सोशल मीडियाज ऑप्शन में मैं अवेलेबल रहता हूँ वहाँ पर भी जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ वीडियो कैन करते हैं ख्याल रखे ध्यान रखे और देखते रहे ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मटिव वीडियो आप आती रहेंगे बाय